वीएम एंटरटेनमेंट का नया वीडियो देखे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी और बेल का बटन दबाई। बिरहा के श्रोता सज्जन, आप सबका नंदलाल रवि बीएम इंटरटेनमेंट के सौजन्य से आज जो मैं बिरहा भेजने जा रहा हूं, चूंकि पहलवानी जंग बहुत बिरहा मेरे आवाज में आप लोगों ने सुना, लेकिन आज के बिरहा जो पहलवानी बिरहा आपके बीच में दे रहा हूं, इस बिरहा में एक संदेश है साथियों, समाज के लिए इस बिरहे में एक संदेश है, और मुझे पूर्ण विश्वास अगर गौर से दिल दिमाग से इस बिरहा को अगर सुनेंगे तो वास्तव में एक रास्ता समाज के लिए जरूर ये बिरहा बताएगी। क्या बात है, शाबाश लाल। भारत भूषण अभूषण है संसार में, पहलवानों से माता कैया जल भरा, एक से एक पट्ठा सभी से रहे, अहमदाबाद लाखन सिंह जम के लड़ा, रुस्तमे हिंद मंगला पहलवान संग, बुद्ध पहलवान सुखदेव याजम गरीम, भीम भूषण जमा चल पड़े शान से, अहमदाबाद लड़ने को शंकर गढ़ी। और साथियों, ये क्षेत्रीय चर्चा नहीं, प्रांतीय चर्चा नहीं, ये विश्व लेवल की बात मैं बताने जा रहा हूं। और आज हमारे सामने आंचल रघुवानी जी हैं। आंचल जी, बड़ा भी हंस के गो बात कह ली है, सवाल पूछ ली है, सुन ला लोगों, जान तो सवाल का पूछनी है कि मैं नाजे हुस्न हूं, मैं नाजे हुस्न हूं, मैं नाजे हुस्न हूं, तू मेरा यह तराम करो, जवानी नाम है मेरा, मुझे सलाम सलाम करो, अलैकुम। अरे नाही हे महाराज, सलाम नंदलाल के करे के है और जरूर करेंगे, वो आंचल रघुवानी के ना करिए तो के करिए हो। लेकिन एक संकेत वही सलाम के साथ है रघुवानी जी, तुझे सलाम करूंगा, पर पहले एक काम करो, अरे तुझे सलाम करूंगा, पर पहले एक काम करो, अपनी मस्त जवानी हमारे नाम करो, अपनी मस्त जवानी
विश्वास है कि मेरा सलाम आप जरूर कबूल की होंगी, लेकिन बिरहा के सादगी बताओ थी। लड़े जो जंग के बीच वही बहादुर है, बने जो याद बोला असल में नाहर है, भैया बाबा। लेकिन बाबूलाल एजन से बिरहा की स्टोरी का शुरुआत, और शुरुआत कैसे हो? जौहरी लगल भारत का अनुपम माटी सावस बहादुर बाबा, यही कना हो वीर रस। बा भाई बा, क्या बात है। मैंने बताया कि प्रांतीय क्षेत्रीय नहीं साथियों, अरे मैं वहां की बात बताने जा रहा हूं जहां विश्व के बहादुर एक से एक लड़वैया जुटे हैं। अपने माटी के भी लोग वहां पर इकट्ठा हैं, चाहे आजमगढ़ हो, बनारस हो, बलिया हो, जौनपुर हो, केराकत हो, चाहे पूर्वांचल की माटी जहां भी हो, सारे पहलवान जुटे वहां पर हैं। बिहार हो, झारखंड हो, पंजाब हो, भैया महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, हर जगह के पहलवान पहुंचे हैं। लेकिन उस बीच में अखाड़े पर गौर करेंगे, एक पहलवान किंग कांग नाम का पहलवान ऐलान कर दिया, चुकी ऐलान नाम लेकर किया, जानते हैं भारत का नाम लेकर के। भारत को लोग विश्व गुरु कहते हैं, तो मैं लड़ना चाहता हूं। और जब ऐलान करता है तो दारा पहलवान चुनौती स्वीकार करते हैं। जब दारा पहलवान चुनौती स्वीकार कैले, 10 मिनट कुश्ती चली, 11वें मिनट में दारा पहलवान पटक करके अपनी मर्यादा नहीं पूरे देश की मर्यादा बचाए। तालियों से गूंज पड़ा वो महफिल, लेकिन मेरे दोस्त गौर करेंगे वो पंडाल गूंज पड़ा, वहां की धरती गूंज पड़ी, लेकिन मेरे बाबूजी तब तक दूसरे नंबर पर ब्लैक स्टोन काला पत्थर नाम लेकर के घोषणा कर दिया। अरे मैं सुनता हूं कि उत्तर प्रदेश पहलवानों की धरती है और कोई मंगला नाम का पहलवान है, मैं मंगला से बाजना चाहता हूं, लेकिन बाजने से पहले अगर मंगला आया हो मेरे चुनौती पर ध्यान दे। आर पार की कुश्ती होगी, मार धार पछाड़ की कुश्ती होगी, जब तक फैसला नहीं होगा तब तक रेफरी छुड़ाएगा नहीं, चाहे कई दिन बीत जाए। बड़ी अजीब चुनौती, सारी जनता सुनकर के अवाक हो गई, लेकिन बाहर माटी मंगला राय चुनौती स्वीकार कैले। आज जब स्वीकार कैले तो ई भल की आज ही कुश्ती न हुई, एक कुश्ती परसों होगी, अब तो और काफी तादाद में परसों के रोज लोग इकट्ठा हुए। आज अब यहाँ खाड़ा पर दोनों पहलवान गए रेफरी के करीब में, एक ठे तर्ज लगल, लेकिन आंचल बता दें आजकल का जमाना गवैया कौने रास्ते पर चल दिले हुए। अच्छा तो तोरे पल्ले फेसबुक हाओ कि ना हाओ? व्हाट्सएप तो होबे करी भाई, हम इना कहते हैं कुछ दूसर मत समझिया। आजकल देखा थी अब लड़का काने में ले के ढील के अनेरे, हाँ ओके बीरई
ढील लेते हैं दोनों में बतिया वो चल जाते हैं। क्या बात है, अरे वाह वाह, मेरी जान कैसे हो। यही तरह के बतियावत था, तब लेठे पुरनिया देखल कहल कि अरे इत जना था कि घोरहू के लैका बा पगलाए गयल। उनके का मतलब है कि कनवा में ढिल्ले है बतियावत है। उजलन कि अपने आप अकेले ही बतियावत जाता, कहीं हंसत है कहीं बतिया लेत है, वो पागल हो गल। ते बात हम न कहते ही, लेकिन रखले हो तो के बढ़िया से रखले रे कभी कभी। और ये तर्ज कबो जमाने में स्वर्गीय हमरे राम चाय एक तर्ज का झलक दिलन। की गजभर के गुजारिया गजब कर हो, सब पजरा बोलाइया बताब कर हो, गजभर के गुजारिया गजब कर हो। आप एहू के अपने पर मत लिया, लंबैया तो हमसे लगत है कि तनिको कम ना होई, तो हम कहे कि तोहके कह भाई। हाँ ठीक है, कहतवा तो से बढ़िया पहचानी के, लेकिन हे जैन का भयल आय है जब दोनों पहलवान अखाड़े में जाते हैं, रेफरी जब हाथ पकड़ते हैं तो हुआ क्या, पहलवानवा अखाड़ हवा आई गई हो, अखाड़ हवा में पहलवाना अखाड़ हवा में एक दूसरे का जाई के कलाई धैले हो, पहलवानवा अखाड़ हवा में आई गई है, मारल चाहे काला पत्थर देखबा मुल्तानी, मार दिए उल्टी मंगला राजहट से हाली, बिछिया खड़हवा में गेना से लोकाई गई ले हो, कि पहलवान हवा या खड़हवा में आई गई ले हो। यही के अहंकार कहल जला, जिस मय में जिस मद में चूर था और ये आवाज दिया था कि चाहे जय दिन तक कुश्ती चले, रेफरी छुड़ाएगा नहीं जब तक फैसला न हो जाए। आय हाय धरते धरत के देखलस के ना देखलस, कैसे मंगला राय मार देलन बाहरे उत्तर प्रदेश बाहरे गाजीपुर बाहरे पूर्वांचल, गूंज पड़ल चारों तरफ बा भाई बाह बा भाई बाह, बाहरे मंगला बाहरे मंगला बाहरे मंगला। आज के दिन एक तक कुश्ती है, देखे दंगल समाप्त तो होता है, सारे लोग अपने अपने घर को जाते हैं, लेकिन कोई दिल दिमाग कोई जुबा शांत शायद नहीं जा रही थी, जिसके जुबा से लबों से आवाज निकल रही थी, लोग यही कह रहे थे बाहरे मंगला। ऐसा एक ठे कोनो गांव है, आ गौवा में बीच में रास्ता है, दो चार ठे औरत बैठ के बतियावत ही आई, आ जवान वही में यह कह जात हूं तर्ज लगल। हर गवन कराज पिया घर बैठा बलब, कमन करा पिया घर बैठा बलस, अपने कोई लरिया में लागल निरमोही दगा दे के, अरे भागल निरमोही मंगला ही मंगलम गुजर चारी वरियम, अरे सर यूपी वाला अवसानी हो, जेकर चमकल जहा में पहलवानी हो, जेकर चमकल वो चार पांच औरत में एक महिला खड़ी हो गई। वो महिला है कौन, यादव जसोदा सोचे अपने मनवा, गोदिया में रहल पांच वर्ष कर सुगनवा, एक नौजवान को बुलाती है, ए बाबू का बोलत जात हुआ, कल के रे चाची जवने धर्म संकट में मन परसों से परल रहल गल, शायद केहू भर पेट भोजन ना कैले हुई न भर पेट पानी पीले हुई, लेकिन आज सबकर वाली हो गई, मर्यादा रह गई,
आ जब ई बात मतारी सुनलत ई है सोचत हिया आ जरा समूह हवा के पोछे मयरिया अखिया से परसेला पानी हो जेकर चमकल चाह में आय हाय माई के आंख से तर 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 आंसू चलत हो और रोवत घरवा में गईल आ जब घर में गईल तो एगो सब्जी काटे वाली छुरी लेके आ गईल जनतवा कैलस का अपने बेटौआ के बुला के अपन अंगूठवा हे ही तरह के चीर देहलस आ चीर के लड़का के लीलार पर जब तिलक लगौलस ओकरे दिल में एक ठे अरमान सजल जानतवा का खुनामा कटी का ललन को लगाई खुनामा कटी का ललन को लगाई हरे अपने दूल्हा रुआ के मंगला बनाई बस अपने दूल्हा रुआ के बहुत बड़ा अरमान सजलोस पहाड़ के तरह मेरे दोस्त की हमहू माई हैं हमहू माई हैं मंगलों के कोनो हम रही मतिन मतारी ने पैदा कैले हुई हैं हमहू अपने बेटा के मंगला पहलवान के तरह बनाई आय है लेकिन जब दुचाठे में हररुआ रहले वो पोछा झारत चल देली चलनी हम मंगला बनावे खाए का ठेका नै ना अरे मंगला बहुत बड़ मनई हुई है दस बीस थे उनके गोरु भैंस हुई है आ तोहरे पल्ले बकरिया नो तले मंगला बनावे चलनी है मेहरारू व्यंग बोल चल देहली आ मेहरारू का व्यंग दू जगह हाथ बड़ा झटका से जाला बहादुर एक ठे हेजैन जाला एक ठे पीछे जाला लेकिन गौर करेंगे मेरे बाबूजी एक मतारी का संकल्प आय है देखे अपने बेटवा के पाले लगल धीरे धीरे समय बीतत गई बेटा बढ़त गयल आ जब 10-12 बरस की उम्र में भयल अखाड़े पर लड़े लगल 13-14 की उम्र के पार कैलस आ जब 15 की उम्र के पार कैलस बेटा तो चर्चा का विषय बने लगल मतारी एक दिन अपने बेटवा से कहलस कि बेटा एक काम कर अब तय ए इलाका में लड़े लायक ना हुए तो से भारी कोई पहलवान जबले तो के लड़ाई ना तब से ऐसे आगे बढ़बे ना आय है लेकिन जाई कहा मतारी संकेत करस कोनो बढ़िया पहलवान देख के जो बेटा वही अखाड़ा पर देखे निंगोटा जहिया बेटा उठाता है और जाता है कहा हरे माई का लाल लाल बन गया कहे माई का लाल लाल बन गया काधे रखे निंगोटा चले सिंह का भाला सिंह के यहाँ खाड़े पर भाला सिंह के यहाँ खाड़े पर मन मतंग पहुंचा ललकार गुरुदेव हम गुरु मानते मेरी इच्छा कीजिए स्वीकार बाबू भाला सिंह के अखाड़े पर 25-26 पहलवान लड़ रहे थे आ लड़का पहुंचा हाथ जोड़ के बोला गुरुजी हमके लड़ाई के पहलवान बना दा अपन चेला बना ला एक के बात उसे निकल गई ए गुरुजी हमारे माई का अरमान है कि हमारे बेटा मंगला राय की तरह बने आ जब ई सुन ले कहले के रे कमीना लड़ायाल हमसे नाम ले था गाजीपुर उत्तर प्रदेश मंगला राग इतना गाली दिए मेरे बाबूजी झरझर झरझर आंख से आंसू चलत था वही जन से लड़का देखबा वापस निराश होके चल देलस आ जब अपने घरे आल अपने माई के करीब में आल मथारी के सामने निंगोटा जंघिया फेंक के गो बात कहलस अखिया में आंसू भरी की कहला सुगनावा आ सपना हो गई ले सपना हो माता जी कई के उपवास हमके दूधवा पिहावेलू शाहलू बनावल पहलवनावा हो माता अरे माई अब तोर बेटा कहीं बाजे ना जाई माई कहीं बाजे ना जाई
फूंक दे माई, फूंक दे निंगोटा जंगिया के फूंक दे, अब तोर बेटा कहीं ना जाई। कहे देहल भगाई गुरु अपनिया खड़ावासी, अछू नहीं दिहल चरणवा हो माता, खिलाला से पहले हिलाला से पहले जब फूल मुरझाई जाई, अरे बिरथा हो जाई शमनावा हो माता। ना माई ना, आज के बाद तोर बेटा कहीं बाजे ना जाई माई। अरे तोरे बेटा के गाली मिलल हो ठीक रहल, लेकिन तोरे बेटा के मतारी के गाली, आखिरकार माई का गलती कैलस, हम गलती कर दे लेकिन हमार माई का गलती कैलस। फूंक द माई फूंक द, लड़का रोवत है मतारी के संकेत निंगोटा जंघिया की तरफ करत था, मतारी चुपचाप ताकत है। बाह बाहरे विधवा माई ताकत ताकत एक ठे बात कलस की बेटा कहलस का हरे झूला निया कहे गुजावा, अरे झूलनिया कै गुजबम, अरे टूटल राजम जवनिया में गरिया छूटल हे राजम। चल जी अगर मतलब समझ तू गावे के तो सब ही गा देला। सचो का तोहरी मतीन सुंदर सुगर सागर अगर दुल्हन घर में हो, अजवान अटैची उठा के तैयारी कर देना, सवेरे ट्रेन पकड़ के बम्बई जाए के हो, आ दुआरी में खड़ी होकर खाली ई कह दे काजी आज के टिकटवा बिया कहा, आज रुआ गड़िया धरे के हो, आ दो चार बेर सुहरा के जहाँ बोल तो टिकट फिर गए। मर्दवा कभू प्रोग्राम छोड़ ले है, हम अपन बात ना बतियाओ थे, लेकिन हे जैन माई कहली का हरे कर जल से रिनियाम, कहे कर जल से रिनियाम बसानी ये बेटा, हमार बतिया ले बम्मानी हे बेटा, हमार बतिया बेटा अगर मर्द हो के मर्द के पहचान न कैले अपमान करे तो पहले निंगोटा जंगिया उठाओ। हम अखाड़ा बताओ थे, हम गुरु बताओ थे, पिपरा के पेड़ बाप से करबा लड़ाई, मर्जी महावीर कृपा होई हर सारी, मर्जी महावीर अपने ही खेते में पीपल का पेड़ है बेटा, जा इन्हीं के गुरु माना। लड़का ताकत है माई कोर, पीपल के पेड़ के गुरु कलिए भाई जन्मन के लिए पहले निंगोटा उठाता, जानते हो बेटा ये पेड़ के हूं है? अरे नहीं कि नीचे तथागत महामानव भगवान बुद्ध शिक्षा लिए और दीक्षा दिए, जा बेटा जा इन्हीं के गुरु माना, जिसे बौद्ध वृक्ष कहा जाता है मेरे दोस्त। लड़का निंगोटा जंगिया उठौलस पहिनलस, पीपल के पेड़ के नीचे गए माथा टेकलस, और माथा टेक के लड़े लगल। अब आप अवाक होंगे कि पेड़े के संगे कैसे लड़ा था, वो लड़ा कैसे, जैसे फास्टर बॉलर बाल लेके बहुत दूर जाल और दौड़ के आवल राउंड लेके बॉलिंग करेलन, वही तरह वो लड़का पीछे जाए और दौड़ के आवे तो छतिया से चाप है, डरिया में गोड़वा ढील के हथवा डाल के ऐठे पैठे देखवैया देख तो कह रान मेहरारू साण होली, वही का लड़का ये पागल बैल बताओ ये पेड़ावा से बाजत है,
पेड़ावा कवन दाव बताई। लेकिन मेरे बाबूजी गौर करेंगे, आया है धीरे धीरे साल भर, साल भर और बीता, और जब 16 साल की उम्र को पार किया कहीं दंगल भेल, और वो दंगल में लड़का गए लोग वही के जाना था, आया है कुश्ती शुरू हो, दो चार जानी पहुंचल वो लड़का खड़ा भेल, आ दो तीन ठौरा जब देखल कल हाउ पेड़ा वो आल आयल हाउ जो पेड़ावा से बाजल वो हो आल, दो तीन जानी हाथ आगे बढ़ौल लोग ताकत हुए, आ जब ताकत हुए तो लड़का तीनों जानी से हाथ मिलौलस, कुश्ती लिखा गई लोग कल के रे मर्दे हाउ पेड़ावा वाला एक ठे सना तीनों से लिखा दिलस। लेकिन जब निंगोटा जंघिया पहिर के आल पहली कुश्ती ओकर भइल कैसे, रेफरी हाथ मिलौल, आ जब हाथ मिलौल तो हथवा घींच के आ चुपचाप खड़ा हो गए, या है मेरे दोस्त हाथ छोड़त ना है, वो पहलवान अपने मन के छटपटा 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 जब परेशान हो गए तो पहलवान के ऐठ के चीत कई के छाती पर चढ़ गए। अब तो चर्चा का विषय बन गल के रे मर्दवा हाउ पेड़वा वाला के गट्टा में बड़ा जान बा, हाउ पेड़वा वाला के गट्टा में बड़ा जान बा, आय है दूसरका पहलवान जो नाम लिखौले हो ओकर उस्ताद ओके समझावत हुए कि देखो करे गट्टा में जान हो, हाथ धरे मत दिए, दाव पेश ना जाना था माजिए मौका से चक दिना मार देवे पक दिना काम बन जाई। लेकिन बिना हाथ पकड़ ले लड़बा कैसे, आ इहो जब गईले रेफरी जब हाथ मिलौला तो हथवा पकड़ के एही तरह का शांत खड़ा हो गल, आय है दबौले खड़ा है अपने मन कई ऐठत पैठत था दोनों हाथे से। लेकिन मेरे बाबूजी एकदम हाथ छूटल ना, आ कुछ समय में जब छकपक पसीना से तराबोर हो गल, ओहू के ऐठ के पटक के छाती पसवार हल्ला मचगल के रे मर्दवा हाउ पेड़वा वाला का देखबा, हाउ पेड़वा वाला का देखबा तिसरका वही जन से चलल पर रहा है, आय है चर्चा के विषय बन गल पेड़वा वाला पेड़वा वाला पेड़वा वाला। अब कहीं भी कुश्ती होखे अगर वो लड़का पहुंच जाए तो एक बार दिल दिमाग पे सबके चढ़ल है कि ए भाई सब तैयार है पेड़वा वाला ना लौकत हो, आ ज्यों ही वो लड़का खड़ा होखे बिना कहले तड़तड़ाए कि जनता ताली बजावे। लेकिन मेरे बाबू जी एक दिन देखे कहीं दंगल हो था, तीन कुश्ती मरलस, आ चौथे नंबर पर कमेटी के लोग ई घोषणा कैले ए भाई कोई नाराज न होखे, हम हन चाहत हैं कि ये लड़का से जे ज्यादा उम्र के होखे उहो लड़ सकत ह, मुंह मांगा इनाम दहल जाए, हम हन कुश्ती देखल चाहत है। लेकिन अब चेला कुल अपने अपने उस्तादन कुर्ता के लगल, का होई उस्ताद, आ उस्ताद लोग झंखा लगल कि के बाजे जाई, के बाजे जाई, अगर बाई देव सरवा कहीं पटक दे इहे न होई कि चेला त चेला गुरुओं के पेड़वा वाला ले ले, ऐसे बढ़िया है कि बल्कि बचाए के रहा। आज का दिन सम्मान करके लोग गमछा दे करके माला फूल दे करके इनाम दे करके विदा करते हैं। अब ही जवान घर पर नहीं पहुंचा है तब तक दो चार नौजवान माई के पास पहुंच गए, कल है माई अरे आज भैया का पताका फहरत रे, आज जब माई सुन ले तो भोंकरी के रोवे लगल। नौजवान जब पहुंचा बोला माँ आज तोर बेटा तीन कुश्ती मरलस, कुश्ती के तबतिया छोड़ दे, लेकिन ये इलाका में तोरे बेटा के कोई धर वाला नाम मिलल माई। हाँ जब माई सुन ले कल बेटा तय पटक के आवत हुए कि पटका के आवत हुए ऐसे मतलब ना, लेकिन मतलब का हम सुनली हैं कि हमार बेटा पोखरा में डूब के मरगल, कलस कवन कलस माई कलस केहू कहलस ना, अब ही तो सामने हुए लेकिन जिंदा ना लौकत हुए बेटा, तय मरल लौकत हुए। माँ क्या बात है माँ, खल अगर मतारी के हृदय के बात की जानल चाहते हुए बेटा, दिल के बात की जानल चाहते हुए सुन माई बताओ थे तर्ज लगल। अरे सुन कैला राजा वो, अरे सुन कैला राजा वो, आ सुन कैला राजा वो कचौड़ी गली सुन कैला राजा वो। क्या भाव था इन सब तर्जों में,
आजकल कुल गावत हुए आज हम न हैले बाड़ी शैम्पू से आज हम न हैले बाड़ी शैम्पू से आवत हुई है राजा हमार टेम्पू से तब ले कौनो हमारी मती शरीफ लड़का घूम के गयल कलस की का कुदत है नाचती है ठीक कैले है लेकिन तोर मर्दा टेम्पू से जरूर आवत अल ऊ का कहलस अब जिन न है कभू शैम्पू से अब जिन न है कभू शैम्पू से राजा तो लड़ाई गयल टेम्पू से यह कुल तर्ज है विशाल भैया कबहू कबहू सोचे के पर जला हमहन जब सामने गवैया इकुल गावे लगल लेकिन मैन का भाव है मतारी अपने बेटा से अपने हृदय के बात कहलस हर जुड़ा जाई हीरावा अरे जुड़ाई जाई हीरावा अरे जुड़ाई जाई हीरावा हतिया जुड़ाई जाई हीरावा अब भाला सिंह से हाथ जब मिलाए जाई हतिया जुड़ाई जाई हीरावा भाला सिंह से हाथ जब मिलाए हतिया जुड़ाई बेटा हम ओ पहलवान से लड़ल देखल चाहत है ये जौन तुरे मतारी के दूध के धिक कर ले हा जानत है वे परसों दंगल हा और वो दंगल में तोर मतारी तुरे साथे चली गौर करेंगे मेरे भाई उस दंगल में तोर मतारी तुरे साथे चली मेरे बाबूजी दंगल में मां जाती है दो चार दस जवान जाते हैं और उस अखाड़े पर गौर करेंगे बहुत काफी तादाद में भीड़ है लेकिन चढ़ी के अखाड़ा पर अरे कर जल पांच जवा नवा अरे भाला सिंह से लड़ा पदे कैले पाई अल्लाह नवा की छतिया जुड़ा जाई हीरा राम बाबू भाला सिंह पहले बुलावल गए ले कमेटी के लोग भाला सिंह का सम्मान करके नीचे कर देलन अब भाला सिंह जब दोबारा चढ़ल तो जनता यहर बतियाव थे कहो भाला सिंह से केहू बाजे वाला ना हो का पेड़वा वाला ना आयल हका आ तबले ई लड़का मतारी कोर तकलस अरे बाबू भाला सिंह एक किनारे आ एक किनारे खड़ा होके देखबा ऐलान कर देलस ई है ऐलान कैलस आ जब भाला सिंह से लड़ा के ऐलान कैलस आय है मेरे बाबूजी तड़तड़ाए की जनता ताली बजौलस अब मजा आई अब मजा आई लेकिन गौर करेंगे आखिरकार बाबू भाला सिंह सोचे लगल कि सरवा पेड़वा वाला एकर हिम्मत ई हमहू से हाथ मिला लेलस बाबू भाला सिंह गुस्सा में होके कहल कि आओ बेटा आज तोर जरिए उखाड़ब हाथ मिला लेल बेटा हाथ मिला लेल और मिलौले बदे मिलौले के बाद जब दोनों पहलवान अखाड़े पर गेलन निंगोटा जंघिया पहिर के जब रेफरी हाथ से हाथ मिलौले तो तैयारी में बताई ला के ठेपन साथ ला के तर्ज लगल ये बहादुर हरे ठोके ताल जंग में ना हो चियालाल होके ताल जंग में फिरल नौजवान नवा हो तूफानवा भैले दंगल के बिचारा कुश्ती शुरू हो गई कि काला जंग ढाक मुलतानी रामा रामा यारे हो बोरे रामा काला जंग ढाक मुलतानी तर तर चुए पदल से पानी तर तर चुए पदल से पानी
बिजुली बिजुली से झगड़ा, बिजुली बिजुली से टकरा, बादल चमक चमक रही यार, बादल चमक चमक रही यार, बादल मारत पे तरा ना हो, शेर मारत पे तरा लड़के, दरम्याना बहु तूफानवा, भैया दंगल के लोहा से लोहा टकरा था, चिंगारी निकलत थी, लेकिन एक चीज जनता के दिमाग में आ गई, जब बाबू भाला सिंह दाव मारे तो 100 में 10-5 लोग ताली बजावे, आज जब लड़का दाव मारे लाखन दाव मारे तो पूरा जनता खड़ी हो जाए, खड़ी ना हो जाए, ई कहत हो जाए लहलस लहलस पेड़वा वाला भालो सिंह के लहलस आय हाय। जब ई शब्द बाबू भाला सिंह सुने लगल, कान का पर्दा फटे लगल, सरवा इतना देरी ले आड़ देहलस, पेड़वा वाला पेड़वा वाला पेड़वा वाला देखें रिकझियाय के कैले का, कि मारे गुस्सा में भाला झटका, लाखन भाई के अखाड़े में पटका, लाखन भाई के अखाड़े में पटका, छाती पर मरदा करके छाती पर मर, इह लाखन हई पहिचान, इह लाखन हई पहिचान, ये के मार भगवला ना, ये के मार भगवला ना देह, लाठे कानवा हो तूफानवा, भैया दंगल के बिचवन, बाबू भाला सिंह को पटक करके छाती पर चढ़ा, एक बात बताता है, पहचान में आवत है, वह लाखन है ना, यहर त जनता खड़ी होके बजावत है, ले लहलस बाबू भालो सिंह के पेड़वा वाला ले ले, ले लहलस पेड़वा वाला ले लहलस, ये जनता की मुझसे आवाज निकलत है, चढ़के अखाड़ा पर माता ललकारी, अरे बेटा को अपने हृदय से सवारी, मेरे दूध का कर्ज बेटा चुकाया, अपने बड़ों का सम्मान बढ़ाया, किया नाम रोशन तब जोगा में आया, पहलवान मंगला को शीश झुकाया, माई कहली कि बेटा छोड़ दे, अब तोरे मतारी के दूध का पहचान हो गई, लेकिन एक काम कर बेटा, जेकरे नाम पर तय गाली सुन ले हुए एक बार उत्तर प्रदेश गाजीपुर की धरती पर जाके आशीर्वाद ले ले। जब गाजीपुर की माटी जोगा मुशाही में पहुंचा, बाबू मंगला राय का पैर पकड़ा, जब मंगला राय को हकीकत बताया, खले कौन भाला सिंह बेटा, अरे मर्द हो के मर्द का अपमान यही रहा, हम खर्चा देव हम लड़ाई हम तो के पहलवान बनाई, खले गुरुजी हमार माई बेवा है, जब ले देख ली ना तबले पानी ना पिए ली, अच्छा तजा जहां जहां दंगल हुई हम बता दे हल करब, देखे नौजवान वापस जाता है, जहां जहां दंगल होके लोग बुला लें इकट्ठा कर लें, किराकत के अंगनू पहलवान, आजमगढ़ के सुखदेव पहलवान, बुद्धू पहलवान, गाजीपुर के मंगला पहलवान, एक चर्चा और बता दे, सालिक भैया अंगनू पहलवान के अखाड़े के एक ठे पहलवान रहे जेकर नाम रहे सिरपत चमार, आ सिरपत कैसन रहे, कैसा जौने पहलवान से केहू ना बाजे उसे सिरपत बाजे, और सिरपत पहलवान के जे उठा ले, हम रही मत छोटा से औकात रहे, लेकिन सिरपत के जे उठा ले, सिरपत जब ऊपर से नीचे आवे तो जौन उठावले है ऊ पहलवान पटकाए सिरपत ओकर छाती पर सवार, ये तारीफ की बात रही, उठाओ वाला पहलवान जो ऊपर गल हो के पटकाए के चाही, लेकिन ऊ जब ऊपर से नीचे आवत है तो जो उठौले है ऊ पटकायल है, कितना फुर्ती रहल, कहां से ही दाव रहल, कहां से ही जान रहल, बाहर ही माटी, लेकिन मेरे बाबूजी उसी बीच में संजो की बात देखे कराची में, एक विश्व कुश्ती पुनः अजब होती है, उसका संदेश मिलता है
सारे पहलवान चल देते हैं, आदेश करते हैं, बेटा आइबा क्यों हरस चलवा। कहले गुरुजी हमारे माई का तबियत थोड़ा सा ढील है, हम बीच में आप लोग से संपर्क कर ले, यही जन बिरहा मुड़े जाती हो भैया। हाय हाय हुआ क्या, कबहू कबहू चेहरा याद आ जाला, वो दिन याद आ जाला भैया। ये तर्ज ए माटी का गीत है, निबिहा का प्यारे जन काटे बाबा, निबिया चिरैयन के बसे होता सुबह उड़ जाई हरी चिरैया, रही जाई है निबिया कपे बहुत पहले ऑडियो के जमाने में एक बतौले रहने की है शरीर पेड़ हो, अजोन नंदलाल बन के बोलत है यह चिरई है, लेकिन हे जैन का भयल मंगला काया देश पाके चलल पाजावाना, भाला कैले धोखावा के मार, रेल के पटरिया उखड़वाई दिहले पपिया, भाईले एक सी डेंटा पाड़ी बाहरे ईर्ष्या, बाहरे ईर्ष्या जब तक ये जिंदा रहेगा इसके सामने हम सर झुका करके चलेंगे, न रहेगा और न तो हम शर्मिंदा होकर के समाज में घूमेंगे। गाड़ी पकड़ लें जाए के तैयारी कर लें, आए है कुछ दूर गाड़ी गई तब तक पता चला रेल की पटरी उखाड़ दी गई। बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ मेरे दोस्त, एक को मारने के लिए कितने लोग मारे गए, हाहाकार मच गया। हरे कोई अस्पताल, कोई अस्पताल, कोई मसनवा प गई ले, कोई कमी लाश, कोई गायब हो गई ले, लेकिन बची गई ले लाखन नहीं आई ले भावन, बची गई ले लाखन नहीं आई ले भावन, माई सिर पर गिरल पा पहा, वही सिर पर गिरल पा बची गई लाखन, जब लोगों को पता चला कि जिस ट्रेन से बेटा लाखन जा रहा था ट्रेन गिर गई, दौड़ते हैं सारे लोग, कोई हॉस्पिटल में, कोई शमशान घाट पर सिना कत करके अपनी अपनी लाशें ले रहे हैं, केहू का मिलत है, केहू का ना मिलत है। ऐसा हस्सा होला तो जहां सब आदमी मरल जाले वो जैन दस पांच लोग देखावल जाले। मेरे बाबूजी जब क्षेत्र के लोग चारी ओर ढूंढ के परेशान हो गए लाखन का कोनो पता ना, वापस निराशा लेके आए, बोले माई हमहन का सूरज डूब गल, माई हमहन का सूरज डूब गल। माई विधवा जसोदा जब सुनलस रोवे माई विधवा, रोवे माई विधवा पीला खाई हमारे बाचवा, एक बेर देता मुहवा देखाई हमारे पास, सझिया सबेर के दूधवा पियई बहन, तीन बजे रतिया के हम जगई बहन, कहा गईला हमके पिसलाई हमारे पाचवा, कहा गईला हमके पिसलाई हमारे पाचवा, अब विधवा कदी नवा के उरवाई हमारे पाचवा, विधवा कदी
पागल बन गई माँ बुढ़िया मेरे दोस्त। इधर इलाके के लोग, हर जात बिरादरी के लोग मिलकर के आपस में चंदा उतार करके एक फैसला लिए, हमारे क्षेत्र का सूरज रहला है डूब गईले, हमन पर कर्जा है, कम से कम दूध काम तक कह दहलिया। सारे लोग मिल करके देखे दूध काम कर दिए मेरे भैया। आ दूध काम कैले के बाद हो एक बरस, दो बरस, तीन बरस, चार बरस, पांचवा साल बीते वाला है। आ वही बीच में देखा एक घटना घटे जाती है। वो कैसन घटना? अरे तो सुतला असुतला जवान की मरल पाप हो पानल चिड़ैया पर लगावा नानी सा पांचवा वर्ष में नाग पंचमी का त्योहार, पचैया का त्योहार, बाबू भाला सिंगलान कर दिए अपने इलाके में, दूर दूर तक पहलवानों को इकट्ठा करने का काम करो। नाग पंचमी के दिन बहुत बढ़िया दंगल करवाएंगे, इनाम देकर के भरपूर सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे, पहलवानों को विदा करेंगे। अजहिया त्योहार हो भैया, माई का दरवाजा वही तरह खुलल हो, सबके घरे पुआ पकवान बनत हो, हाई माई आज यहाँ काल वहाँ परसों वहाँ। आज जब जनता का भीड़ अखाड़ा पर भाला सिंह के जाए लगल तो दवर दवर के जाए माई कहे, ए भैया, ए भैया, बाजे जात हुआ, बाजे जात हुआ ना, हमार हमार लखनऊ आई भैया, हमार लखनऊ आई। एक बार मतारी का बात सुन के लोगों का आंख भर जाए। कैसे समझावल जा जेकरे बेटा का पांच बरिस होगल दूध काम कैले। लेकिन गौर करेंगे, अखाड़े पर जनता की भीड़ जुटी है, कुश्ती शुरू है, कुश्ती शुरू है, छोट बड़ पहलवान लड़त हुआ। आ तबले वही बीच में देखबा गजब होखे जाता कि टोनी पहलवान ललकार गौआ में आके कोई हथवा मिला ले पहलवान, अरे आके कोई हथवा मिला ले पहलवान। टोनी नाम का पहलवान बोला कि वाह भाई वाह, क्या समझते हो कि हम सारे लोग चले गए? अरे सुनो, अभी भी हम इस धरती पर हैं पूरा अधिकार लेकर के। एक बात सुनो, मैं यही सुन करके तो आया, आज नाग पंचमी का त्योहार है, तुम सुनते हो कि दो देवताओं की पूजा करते हो? हम सुनते हैं कि तुम दो देवताओं की पूजा करके अखाड़े पे आते हो, एक को घर पर दूध लवा चढ़ाते हो नाग देवता को, और जब अखाड़े पे आते हैं तो महावीर बजरंग बली को लड्डू खिलाते हो। एक काम करो ना, तुम दोनों देवताओं का बल लेकर के जो भी माई का लाल हो आवे, और मैं तीनों को एक साथ में पटक करके तुम्हारी मर्यादा दफना करके तुझ जाऊंगा। अब तो जनता सांस रुक रुक के लोग लेते हुए, चारों तरफ से लोग भाला सिंह की तरफ देखते हुए, अब मर्यादा बचावे तो भाला सिंह, डुबावे तो भाला सिंह। आज जब भाला सिंह ई आवाज सुन ले, चुनौती सुन ले, तो झंख भाला सिंह धई के कपड़ा पर हथवा, आई लव
चुढ़ौती खत्म भइल जान। बाबू भाला सिंह धूमिल हो गई है, खा करी अगर बाजत है तब वो पटका जाए, ना बाजत है तब वो मर्यादा दफन होती है। आज मर्यादा दफन होती है। आज दिमाग में एक ठे चेहरा बाबू भाला सिंह के लौके लगा, या जजामा लाखन रहता आखी के संभालावा। हमार भगवान अपने किए पर पश्चाताप करत हूं कि बहुत बड़ी गलती हमसे भइल, बहुत बड़ी गलती भइल। आज आज लाख ने मौका पर हो तो हमरो मर्यादा ये माटी का मर्यादा बचावत, अपने गोड़ में कुल्हाड़ी मरली, अब का करी। बाजल जरूरी हो गल, बाजल जरूरी हो गल। निंगोटा जंगिया उठौले, आंख के आंस पोंछत देख अखाड़ा का रास्ता पकड़ले। आ जब अखाड़ा पर जाए लगल तो जनता देखलस कल कि बजले से पहले ही जब ही रोवत हो तो मर्यादा बचई है कैसे। लेकिन भैया हो जब ही अखाड़ा पर चढ़ले यही तरह के असिया पोंछत तबले तक गजब हो गल न कि तबले जनता की भीड़िया से बोलल एक जवान। एक कोने से एक नौजवान धोती कन्नुंगी पहले कमीज पहले नीचे निंगोटा जंघिया पहले ऊपर गमछा से मुंह बनले आय हाय गमछवा फेंकत और जनता की भीड़ से छलांग लगावत दौड़त इहे कहत दौड़ल। अरे रुक जा गुरुम रुक जा जीना हथवा मिलई हम, अरे रुक जा गुरुम रुक जा जीना हथवा मिलई हम, अब हिज्जत पाड़ लाख पहलवान। बाप जोड़े समय अखाड़े पर गईले एक बार पैतरा मरले नुंगी फेकत कमीज फेकत निंगोटा जंघिया में जब ई लोग देखल कल कहो भैया ई कमल लाखन हो भैया ई कमल लाखन कहो भैया हमहन वाला लाखन त ना ना लोग कल कि हमहन का लाखन। लोग खुशी के आंसू पोछो तुन कवन जवाब देहल जाई। अरे जवने लाखन बेटवा के पांच बरिस पहले दूध काम कह दहल गयल आज कवन जवाब दहल जाई हो। लेकिन जनता ताकत है तबले तब बात एक ठे कहले कहले का अरे भारत हम महान, भारत हम महान ई महान रही हैं हमारे जीते नायक हर हवा कसान सही है। टोनी के दौड़ा के पटका लाखन बलदाई दौड़े भाला सिंह छाती से लगाई हरे गुरु शिष्य का कैसे का सम्मान जय है हमारे जतना अखर हवा कसान जय है। पर्याय से बरियाई से मिमोर के टोनी पहलवान के अखाड़े में पटकले आ जब पटकले तो दौड़ के बाबू भाला सिंह अखबारी में दबा के भोकर के रोए लगले। कैसे क्षमा मांगी बेटा कैसे क्षमा मांगी ई हो समन्वय बात
इह महानता कर्म के हिसाब से कैसे दूसरे का सम्मान कैल जला और कैसे अपमान झेलल जला से गौर करेंगे। आप मुंह पर हाथ लगा देलन, मुंह पर हाथ लगा देन लाखन कले गुरुजी बस आप जाना हम जानी। अरे तबले लोग कल करे माई कवने गांव में है तनी खोजा माई के। इहर से लाखन पहलवान को लेके जात हुए, उहर से माई बुढ़िया के पकड़ के लोग लेके आवत हुए। आज जब माई अपने बेटवा के देखलस हो कि बेटवा के देखलस जबकि बूढ़ी महतरियाम अब बेटवा का चूमे अपने माई धली लरियाम जैसे गाय बछरू के चाटे ले चुमेले माई अपने बेटवा के चुमत है चाटा थिया। लेकिन बगल में जब बाबू भाला सिंह को देखे मां बर्दाश्त नहीं कर पाई। अपने हृदय में जो छुपा हुआ था मेरे दोष आखिरकार उस उद्गार को सामने रख दी। जानते हैं क्या कही, हर जकरी पर मर जिम महावीर कब करना सान जय हैं, जकरी पर मर जिम महावीर ओ करना जान जय हैं, हमारे जिया तेना अखर हवा कसान जय हैं। गुरु बिहारी गुरु गणेश कह खत्म हुआ दास्तान विमल चंद्रिका कवि के सब बच्चन से प्रेम। हरे माई का लाल लाल बन गया, माई का लाल लाल बन गया, राम निवास नंदलाल बैरी को देते ताल, माई का लाल लाल।